एंट्री होने के बाद अब वक्त आ चुका था वरमाला का, तो उसके लिए मुझे स्टेज पर जाना था, लेकिन गौरव जी की बहनें मेरा रास्ता रोक लेती हैं। ये खट्टी मीठी सी नोकझोंक खत्म होने के बाद अब वक्त हो चुका था घूंघट उठाने का। तो मैंने पहले ही बताया था कि दुपट्टे को पीछे गेरना है, लेकिन इनको कुछ याद नहीं रहता, ये काम भी मुझे ही करना पड़ा था। जाने देते हैं इन सब बातों को, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका था जिस वक्त का हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। फिर ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज तक ले आते हैं। और माला होने के बाद अब आ चुका था वक्त घर वालों के साथ फोटोशूट का। तो घर वालों के साथ फोटो कराते हैं, उसके बाद अब होना था हमारा फोटोशूट, जो कि कपल फोटोशूट होते हैं। अब स्टेज पर हो रहा था कपल फोटोशूट, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो सिंपल से हमने पोज किए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था इस वजह से। फोटोशूट खत्म होने के बाद अब हम आ चुके थे डिनर करने। ऐसा नहीं होगा। डिनर करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर आ जाता है पंडित जी का बुलावा। तो जो मैंने लहंगा वगैरह उतार दिया था, ज्वेलरी वगैरह, तो वो दोबारा से पहनती हूँ, फिर हो जाती हूँ तैयार जाने के लिए। अरे अब फेरे खुले बालों से नहीं लिए जाते, इस वजह से बालों में मुझे फिर रबर बैंड लगानी पड़ती है। सबसे पहले होता है कांचदा, जो कि मामा करते हैं। अब वक्त आ चुका था कन्यादान करने का, तो मम्मी और पापा कन्यादान करते हैं। पंडित जी ने पीछे जाने समय बस मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर कैसे भी सोने के लिए मिल जाए, लेकिन कहाँ अब नसीब होना था मेरा सोना। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी ना, कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरी खुद की शादी है, तो मैं उठ के तो जा नहीं सकती थी, तो मुझे बैठना ही था। तो पार्वती मेन ने कही थे प्रभु में तो अवतार आ रही हूँ, और आप तो बराबरी ने करते हो जबरी की बात करो। हाँ अगर सात के आधे दे उठे सर तुम, और सात के आधे कहे साढ़े तीन क्या तीन निकल लोगे, चार कर दिया, साढ़े तीन में कोई सब्जी है, ठीक है। तो चार दिन आपसे मांग रहे थे, और शंकर बांधने वाले पार्वती नहीं आते, ये आपसे मांग रहे थे। आज आप पार्वती को करवाने ठीक है। तो ध्यान मध्य पाने चा पिता जय गमलेन चा आज्ञा भंगुर कर्तव्यम पर राज्यम चतुर्थकम। तो ध्यान मध्य पाने चा मतलब ये जंगल उगती उद्यान वाले जंगल बन के बताए गए, वो तो जंगल तो खत्म हो गए, जंगल एक भी जंगल हटाए के मार्केट लग गई है, ठीक है। बगीचा और मार्केट, बगीचा में मार्केट में अकेले नहीं जाओगी आप, ये आप तो कह रहे हैं वचन मांग रहे हैं, और आप दे दीजिए, ठीक है। बगीचा में और मार्केट में शॉपिंग करवे या खेलवे अकेले नहीं जाओगी, घर से भी बैठ लेंगे, ठीक है। और आज कल तो फ्रेंड बना लेंगे, ठीक है, फ्रेंड बना लेंगे, अकेले नहीं जाओगी आप, ठीक है। मध्य पानी दोबारा बता रहे मध्य पानी चा
सुनो, मध्यवान होगा आधी रात, मध्यवान होगा आधी रास्ता, मध्यवान होगा दोपहर, और मध्यवान होगा शराब, ठीक है। अगर 20 रास्ते पे चार पांच आदमी या एक आदमी समझ लो कोई आदमी दारू पी के बैठे हो या दारू पी रहे हो तो उनके सामने नहीं पड़ोगी आप। जो मदरा पान मध्य पान मदरा शराब भी बोले, मदरा पान करे हुए आदमी आपके सामने पीने पिया घर वाले, ये बात अभी तो सही है, कोई नहीं पिया आपके घर वाले ने आपके सामने पीने पिया उनके आप सामने नहीं पड़ोगी, ठीक है। जो मदरा पान करा व्यक्ति राक्षस के समान हो गए, कब करना है उनके सामने नहीं पड़ोगी, ठीक है। भोजन कब का कर दो उस समय में अपने घर से इनके घर से अपने घर नहीं आवी, अब तो आप घर इनको एक ही घर है, ठीक है। अपने पिताजी घर पे नहीं आवी, इनके बिना आ गया भैया सारों जो त्यौहार ऐसे होंगे खुशी मत हो आपसे आगे लग जा भी दो ध्यान पर लग गया भाई रक्षाबंधन में धर्म शास्त्रोचित इनकी आप आज्ञा भंग नहीं करोगे, इनके माता पिता की सेवा करोगी आप। आज्ञा ऐसी थी जो मानव लायक हो जो कह देगा भैया आज के ऊपर आप हंसते हैं ऐसा रखना करना, आज्ञा ऐसी मानेंगे जो मानव लायक होगी, तो तुम कहोगे मेरी आज्ञा मानने, ठीक है। आगे कैसी मानव लायक होगी आप, कैसी आज्ञा दीजिए आगे ऐसे आप याद करते हो जनक नंदिनी मन मुस्काए पहनाए जयमाल दे।